मौजूद हूं और बड़ी खबर यही जिला अदालत से जो मिल रही है वो आपको बता दें। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा अपडेट ये है कि आरोपी आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। जो पुलिस रिमांड थी उसे बढ़ाया गया है और कोर्ट की तरफ से आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। ये भी आपको बताऊं कि पुलिस की तरफ से 10 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी। 10 दिन की रिमांड की मांग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन जिला अदालत ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी आफ्ताब की दी है। ये भी आपको बताऊं कि जिला अदालत के अंदर वर्चुअली पेशी हुई है, वर्चुअली आफ्ताब को पेश किया गया था। एक और बड़ी खबर मिल रही है, नार्को टेस्ट की इजाजत मिली। एक और बड़ी खबर, आफ्ताब का अब नार्को टेस्ट होगा, जिला अदालत ने नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। ये सबसे बड़ी खबर, दो अहम जानकारी आपको मैं दे रही हूँ श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। पहली ये कि आफ्ताब की पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है आफ्ताब को, हालांकि 10 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी। इसके अलावा नार्को टेस्ट की मंजूरी भी मिल गई है। मेरे सहयोगी आनंद जुड़े, उनका मैं रुख करती हूँ। आनंद, क्या कुछ हुआ अंदर कोर्ट के? जी देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 5 दिन की पुलिस रिमांड भी मिल गई है और नार्को टेस्ट की इजाजत भी पुलिस को मिल गई है। नार्को टेस्ट की इजाजत एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एक लंबी प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया के बाद सीधे जो दिल्ली का अम्बेडकर अस्पताल है वहाँ पे नार्को टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन अभी उसके पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट अगर सफल हो जाता है तभी नार्को टेस्ट हो पाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ हलचल बढ़ी है और हम सीधे आपको वो हलचल दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉयर्स आए हैं जो अभी अंदर से निकल के आए हैं और वो कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए।